चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 15, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। उससे पहले बच्चा, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। अलग अलग सूट के अलग अलग कार्ड होते हैं, तो इसमें ध्यान में जो रखना है वो आपको क्लियर करना है। कलर जब बोले तो हमारे जो कार्ड सिस्टम है, टोटल कार्ड में दो ही कलर होते हैं। कलर दो होते हैं, सूट चार होते हैं। कलर दो होते हैं, एक होता है आप बोलोगे सर रेड होता है और दूसरा ब्लैक होता है। कलर की बात करें तो, और आप बोलोगे सर इसमें ध्यान में रखना है और ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। सूट बोले तो चार और कलर बोले तो दो कलर होते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर जे क्यू के, मतलब ये फेस कार्ड है। फेस कार्ड आपको बोला जाए तो जे मतलब जैक, क्वीन एंड किंग आएगा। क्लियर है? तो बच्चा अभी हम सम शुरू करते हैं, तो समझना इजी रहेगा। टू कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या दिया है कि 52 कार्ड्स में से दो कार्ड सिलेक्ट करना है। इसमें दिया हुआ है बोथ द कार्ड्स आर डिफरेंट कलर, और दूसरा दिया है बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड, एंड थर्ड दिया हुआ है वन ऑफ द टू कार्ड इज किंग। तो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला जो पॉइंट है टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम ड्रॉइंग टू कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज एन इज इक्वल टू। तो आप बोलोगे सर 52 C2 जो हो जाएगा 52 × 51/2×1। सॉल्व करोगे बच्चा तो 1326 वो हमारा आंसर आएगा। तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम है। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है बोथ द कार्ड आर डिफरेंट कलर। कलर की बात करें तो सबसे पहले तो हमें वो इवेंट लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू इवेंट बोथ द कार्ड आर ड्रॉन डिफरेंट कलर, दैट इज आपको लिखना पड़ेगा वन कार्ड इज ब्लैक एंड अदर कार्ड इज रेड। क्लियर है? दो कार्ड में से एक कार्ड ब्लैक है और एक रेड है। इसका मतलब आप बोलोगे सर इन, ये लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखोगे कि इन 52 कार्ड्स 26 कार्ड आर रेड एंड 26 कार्ड आर ब्लैक। उसके बाद बच्चा अभी फेवरेबल आउटकम शुरू होगा। तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 26C1 और 26C1। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से कोई भी एक ब्लैक कलर का होगा, एक वाइट कलर का। तो 26 × 26 सॉल्व करोगे बच्चा तो 676। तो आपका M आ गया। जैसे M आ गया तो आप बोलोगे P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। 676/N जो है बच्चा वो होगा 1326। तो आप बोलोगे सर वो होगा, डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो 26/51 आ जाएगा। बच्चा बहुत ही सिंपल था, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम सेकंड शुरू करते हैं बच्चा। सेकंड में क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर सेकंड है बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड। फेस कार्ड बच्चा मतलब इसका कहने का मतलब वो है कि जो कार्ड दोनों सिलेक्ट हुए हैं वो जैक होंगे, क्वीन होंगे या किंग होंगे। तो ऐसे आप शांति से देखोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो फेवरेबल आउटकम है, आप बोलोगे सर हर एक सूट में तीन कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड बोले जाते हैं, जिसको एक को बादशाह एंड गल्ला बोल सकते हैं, मतलब जैक क्वीन एंड किंग बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर फोर सूट है तो मतलब 12 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो बच्चा आप लिखोगे बी इज इक्वल टू हर बार की तरह इवेंट दैट बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड इन द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड 12 कार्ड आर फेस कार्ड। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 12 कार्ड में से कोई भी दो कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम, आप बोलोगे 12C2। तो आप बोलोगे सर 12 × 11 × 2/1। तो आप करोगे बच्चा तो 66 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो P of B is equal to M upon N। तो 66/possible outcome है 1226, 11/221।
क्लियर है बच्चा? अभी इतना लिख लो, उसके बाद हम सेकेंड वाला थर्ड वाला शुरू कर। अभी लास्ट वाला बच्चा ऑप्शन जो दिया हुआ है, वन ऑफ टू कार्ड इज अ किंग, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जो एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो किंग होंगे। तो आपको वो किंग तो पता है, टोटल कितने कार्ड होते हैं किंग के? तो आप बोलोगे सर किंग के टोटल कार्ड चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। तो बाकी कितने बचे? तो आप बोलोगे सर 52 कार्ड में से किंग जो है वो चार है, तो बाकी के 48 कार्ड में से कोई एक कार्ड होगा। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करता है, सी इज इक्वल टू इवेंट दैट द वन ऑफ द कार्ड इज द किंग इन द पैक ऑफ 52 कार्ड। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फोर कार्ड आर किंग एंड अदर कार्ड इज 48, जिसमें आप लिखोगे सर बच्चा अभी यहाँ से शुरू करेंगे, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4C1 इंटू 48C1। सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 48 बच्चा तो होगा कितना? 192। तो आप बोलोगे पी ऑफ सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होगा 192 यहाँ लिखा जाएगा, और इसके बाद आप डिवाइड करोगे 1326 करोगे तो 32 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा? 32 अपॉन आप बोलोगे सर होगा 221। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। शांति से प्रॉपर तरीके से लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे चलेंगे 16 नंबर के साथ। चलो बच्चा 16 नंबर का पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि 3 बल्ब आर डिफेक्टिव इन द बॉक्स ऑफ 10 बल्ब, मतलब 10 में से 3 बल्ब डिफेक्टिव है, तो आप बोलोगे 7 बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। आगे चलते हैं, 2 बल्ब आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स, तो हम वो बॉक्स में से 2 बल्ब सिलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, दिस बल्ब आर फिक्स इन 2 बल्ब होल्डर इंस्टॉल इन द रूम, मतलब वो जो होगा वो आपको बोला गया है कि बल्ब जो होगा वो 2 जगह पे इंस्टॉल होगा, वो तो सही है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द रूम विल बी लाइटम आफ्टर द स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई। बच्चा अभी समझ लो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ये एक रूम है, यहाँ पे 2 होल्डर है, समझ लो यहाँ पे 2 होल्डर है, 2 होल्डर पे आपको बल्ब लगाना, समझ में आया? तो अभी रूम का डायलॉग क्या बोला है कि ये रूम जो रूम है वो लाइट अप होगा। लाइट अप मतलब ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि एक बल्ब भी आप चालू करोगे ना तो ये रूम में लाइट तो आ जाएगी, और 2 बल्ब में भी लाइट आएगी तो 2 बल्ब में अच्छी लाइट आएगी, 1 बल्ब में थोड़ी कम लाइट आएगी, लेकिन लाइट तो होगी। तो बच्चा इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मुझे बच्चा एज यूजुअल वो लिखना पड़ेगा, 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, यहाँ पे लिखेंगे डिफेक्टिव, और जो बाकी के 7 है वो नॉन डिफेक्टिव है, क्लियर है? और टोटल हो जाएगा आपका, वो आप बोलोगे सर टोटल 10 हो जाएगा। अभी बच्चा आगे चलते हैं, 2 बल्ब आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम हिज बॉक्स, इस बॉक्स में से आपने सिलेक्ट किए कितने? 2 बल्ब आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है एक डिफेक्टिव हो, पहले वो वाली प्रोबेबिलिटी लेते हैं, एक डिफेक्टिव हो एंड दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, समझ में आया बच्चा? तो लाइट अप तो हो ही जाएगी, लाइट अप मतलब रूम तो लाइट हो ही जाएगी, रूम में लाइट आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सर 0 डिफेक्टिव हो एंड 2 नॉन डिफेक्टिव हो, क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हाँ ऐसा भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो बस बच्चा ये बीच में और आ गया, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 कंडीशन होती है, और जो होता है वो आप बोलोगे प्लस होता है, एंड जो होता है वो इनटू होता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर पैसिव, पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 3C1 इनटू 7C1। अभी आप बोलोगे सर इसके बाजू में एक प्लस लगा दो, और आप बोलोगे सर दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से 3C0 इनटू 7C2। तो ये जो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा? फेवरेबल आउटकम। आप बोलोगे सर आपने तो पॉसिबल आउटकम तो ढूंढा ही नहीं है, तो चलो बच्चा ढूंढ लेते हैं, n इज इक्वल टू 10C, आप बोलोगे 2, जो हो जाएगा 45। जो फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम हमें मिल गया फेवरेबल आउटपुट की, और आगे बढ़ते 3 इंटू 7
और यहाँ वन इंटू आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, तो ये भी 21 और ये भी 21, तो टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 42 होगा। जैसे फेवरेबल आउटकम 42 होगा तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 42 अपॉन कितना है, तो आप बोलोगे सर 42 अपॉन 45, सॉल्व करोगे बच्चा तो 14 अपॉन 15 आएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको ये टोटली क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लाइट वाला कंसेप्ट अच्छा था, जो रूम में लाइट करनी है तो एक बल्ब ऐसी भी लाइट हो सकती है और दो बल्ब लगाओगे तो भी लाइट होगी, ध्यान में रखना है। तो ये कंडीशन थोड़ी अलग तरीके से दी थी, तो ये बच्चा अच्छी तरह लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।